जैसे ही सामान लोड होना स्टार्ट हो गया, बारिश ही बारिश। लाइफ इज अ लूप। शिफ्टिंग करो, अनपैक करो, घर सजाओ, फिर पैक करो, फिर नए स्टेशन जाओ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जैसे मैंने शेयर किया था अपने चैनल में कि दैट वी आर मूविंग आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट एंड शिफ्टिंग टू आवर क्वार्टर। तो आज ही सुबह हम लोग पहुंचे हैं। मेरे प्रीवियस व्लॉग में आप समझ जाएंगे कि बैक स्टोरी क्या है, बट आज ही सुबह 10:30 बजे पहुंचे हैं एंड इमीडिएटली आज ही के दिन हमको आधा सामान शिफ्ट करना है। मेजरली मैं सोच रही हूँ मंदिर ले जाऊँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज थर्सडे है एंड इसके बाद हमारा रोजो स्टार्ट हो जाएगा। ओडिया फेस्टिवल है रोजो, एंड उस समय कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं, संक्रांति वगैरह वो सब है। तो मम्मी ने सजेस्ट किया था कि नहीं, तुम थर्सडे, आज अच्छा दिन है, आज ही शिफ्ट कर दो, बाकी का सामान जाते रहेगा, बट वहाँ पे जाके मंदिर रख दो एंड पूजा थोड़ा सा कर लो, जो थोड़ा बहुत घर का स्टार्टिंग का पूजा होता है। साथ में मैं सोच रही हूँ जो डेलिकेट सामान, जो क्रॉकरीज वगैरह है ना, वो ले लूँ, क्योंकि अब की बार हम लोग कोई पैकर्स एंड मूवर एज सच हम लोग नहीं मंगवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही पास में ही शिफ्ट हो रहे हैं, हार्डली लाइक 10 किलोमीटर्स के अंदर में। तो हमने अपना जो गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया है एंड जितना पॉसिबल होगा हम लोग ही पैक करके वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और कोई प्रॉपर पैकिंग वगैरह नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कार में भी शिफ्ट कर लेंगे। तो मंदिर आज चला जाएगा और साथ में क्रॉकरीज के सामान चले जाएंगे। कल कुछ कुछ सामान ऐसे ही हम लोग कार से शिफ्ट करेंगे एंड परसों दैट इज़ 11th ऑफ जून, तब हम लोग पूरा फ्रेजिडली मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान लेके चले जाएंगे एंड होपफुली हम लोग 11th को ही अपने नए घर में ही रहना स्टार्ट करेंगे। सो या दैट्स द प्लान। कोशिश की थी कि मैंने कि सुबह ही ख़त्म कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग 3 दिन का जर्नी करके आए हैं और थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना, बॉडी में ताकत नहीं होता है, एंड ये घर भी काफ़ी गंदे हालत में था, तो इसीलिए अभी शाम के टाइम ही कर रहे हैं। सो ऐसे ही करना पड़ता है गाइस, तुरंत ही आके सेम डे शिफ्टिंग करना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। दिस इज आवर क्वार्टर, ये लिविंग रूम होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी आवर डाइनिंग स्पेस। ये एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग विल सी व्हाट वी कैन डू। दिस इज गोइंग टू बी आवर गेस्ट बेडरूम। तो फर्नीचर वर्नीचर सारा पेंट हो गया है, पहले येलो था, वार्डरोब वगैरह भी सारा पेंट करवा दिया गया है। एंड दिस साइड इज अ मास्टर बेडरूम। बहुत बड़ा स्पेस है, इसकी पूरा इंस्पेक्शन कर रहा है। ये मेरा होने वाला है स्टूडियो रूम, चेंज होगा फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। ये है हमारा किचन। अभी मैं आपको बहुत ही हौच-पौच में दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी इधर उधर भाग रहा है। ये है किचन। किचन का थोड़ा बहुत काम बाकी है, इधर नीचे का काम कराना पड़ेगा। इस साइड में है हमारा बैल्कनी, ह्यूज, बहुत ज़्यादा स्पेस है, व्यू कुछ ऐसा है। जैसे सामान ढोते हुए तो मैं इसको थोड़ा सा हेल्प करती हूँ एंड फिर मैं मिलती हूँ। You don't know what I've been going through. जो हम लोग पैक करके लेके आए थे, अभी तो मैं सेट नहीं कर रही हूँ, बस कैबिनेट में डालते जा रहे हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा है मेरे पास जितने सामान है ना, क्रॉकरीज ये आएंगे। ये सारे मेरे दिल्ली के खजाने हैं। दिल्ली में ही सारा चीज मैं लेके आई थी। This is when you tell me that you're different. This is when you try to make me fall. Convince me it's true. And that is why you want me like you do. Hi guys, today is 11th of June। मैं लास्ट व्लॉग की थी 9th of June को, एंड कल मैं पूरा दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी क्योंकि परसों शाम से, मतलब 9th of June के शाम से बारिश हो रही थी कल रात के 12 बजे तक, और मुझे लग रहा था कि मेरा सामान कैसे जाएगा, इतना तेज बारिश हो रहा है, कुछ भी कर लूँ मेरा सामान तो भीगेगा। मेनली मेरे को डर मेरे मैट्रेसेस एंड ये जो सोफा वगैरह है ना उसका है। बट आज जब मैं सुबह उठी, आसमान क्लियर है, धूप आ रहा है, मतलब मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि भगवान साथ दे रहे हैं। बट गॉड नोज आई एम जस्ट होपिंग, फिंगर क्रॉस्ड। ऐसे ही थोड़ा दिन भर आज धूप रहे, बारिश ना हो। अभी सुबह का 6 बज रहा है, 9 बजे से गाड़ी लग जाएगा, और 6 बजे मैं इसलिए उठी कि और भी पैकिंग करना है। ये हमारा लिविंग रूम है, तो यहाँ पे मेरे किचन के सामान कुछ कुछ है, पूरा स्पेस, झाड़ू को एक्सक्यूज, पूरा स्पेस यहाँ पे खाली हो चुका है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान हम लोग ने पैक कर दिया है और ये सब भी खाली हो चुका है। टीवी निकलेगा, वो सारा जो निकलने का पार्ट है वो अलग होगा। एंड यहाँ पे मेरे बकेट वकेट में सारा सामान रख दिया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सामान है, ये ट्रक के साथ नहीं जाएगा, ये हमारे कार में जाएगा। एंड यहाँ पे पूरा किचन का सामान मैंने पैक कर दिया है। किचन इज ऑल्सो क्लियर। यहाँ पे जो भी और ड्रॉज एंड ये सब है, सब खाली हो चुका है। ये मॉड्यूलर किचन मेरे को वहाँ पे क्वार्टर में नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे खींचो सामान, निकालो, खाना बनाओ, ये और नहीं होने वाला है। मेनली अभी मेरे पास 2 रूम बचा है, गेस्ट रूम और मेरा स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम को तो देखने में मेरे को डर लग रहा है, इतना सामान फैला हुआ ना कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। स्टूडियो हालत, कहाँ से स्टार्ट करूँ। जरे तो बोल रहे थे पहले इसको करो, ये जरूरी है, तुम कौन सा काम कर रहे हो। मैं बोले यहाँ पे आने में मेरे को डर लग रहा है, कहाँ क्या काम करूँ। सो दैट्स द क्विक अपडेट गाइस। जाती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, मूड भी थोड़ा सा पंप अप हो चुका है धूप देख के। सो यस, लेट्स गो और शिफ्ट करते हैं, एंड फिर मिलती हूँ कभी बीच में आपसे। Through a lot, holding hands while screaming at each other, and I don't know how to stop, but I still love you like I do. I am dead guys, I'm completely dead, मेरा जान नहीं बचा है। अभी दोपहर का 2 बज चुका है और मेरे 60% सामान चले गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, जैसे ही सामान लोड होना स्टार्ट हो गया बारिश ही बारिश। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सामान मेरा सारा जा नहीं सकता है। जैसे मैं सुबह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, धूप निकला है एंड आई वॉज ग्लैड कि सारा सामान अब चला जाएगा। बट इतनी खुशी तो भगवान को मेरी अच्छी नहीं लगती है, बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो भगवान ने बोला बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं होने वाली है, मैं तो बारिश डेफिनेटली करूँगा। अभी फ़िलहाल बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी बस 2 ही ट्रिप ट्रक की हुई एंड बट ऑलमोस्ट 60% सामान चला गया है। छोटे मोटे टुकुर टुकुर सामान है एंड फर्नीचर्स रह गए हैं, जैसे मेरा डाइनिंग टेबल, चेयर और टीवी यूनिट, वो सारी चीज़ें रह गई है, जो अगेन मंडे होगा। बट एनीवे, सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए हैं। जैसे मैंने दिखाया था, सुबह सिर्फ चाय पिए थे और उसके बाद हमने कुछ भी खाना नहीं खाया है। ज़ैनित भी अभी नहीं है, वो नए घर में सारे सामान को अनलोडिंग कर रहा है। कितने सारे काम है गाइस, शिफ्टिंग इज़ नॉट ईजी। हमारे प्रोफेशन में एवरी 2 to 3 इयर्स शिफ्टिंग होता है एंड जब हम नए स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली 2 बार शिफ्टिंग हो ही जाता है, क्योंकि तुरंत हमको क्वार्टर या अकोमोडेशन नहीं मिलता है। तो इट्स क्रेजी, इट्स वेरी वेरी क्रेजी, बट हमारा लाइफ ही यही है। हम जिस प्रोफेशन में, हमारे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं, आई नो आप लोग पूरा रिलेट कर पाते होंगे कि कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। गाइस यहाँ पे मैंने सामान को सब अच्छे से अरेंज कर दिया है कि मंडे को क्या क्या सामान जाएगा एंड ऑर्गेनाइज वे में रख दिया है, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम उस रात को नए घर में ही सोने वाले हैं बिकॉज मैट्रेस वगैरह चला गया है। एंड यहाँ पे विस्की बेचारा सोच रहा है कि ये 2 इंसान कर क्या रहे हैं, अभी तो आए थे, अगेन शिफ्ट कर रहे हैं, ये दोनों पागल हो चुके हैं। लिटरली इतना सामान हमारे पीछे जा रहा है, मेरे को लग रहा है ट्रक से ज़्यादा सामान हमारे गाड़ी में जा रहा है। मतलब हम लोग जो बचा कुचा 40% था, हम लोग ऑलमोस्ट 20% तो इस गाड़ी में लेके जा रहे हैं। गाइस अभी का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा है और कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो सकता है। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।